हेलो एवरीवन, इट्स मी राखी फ्रॉम vividhyarthi.in। और इस सेशन के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन बताऊंगी, जो पेज नंबर 55 पे है, चैप्टर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ ए एटॉमिक न्यूक्लियस, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटोन एंड डी न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड मॉडल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, किस चीज की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था? देखिए, रदरफोर्ड का जो ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें तीन ऑब्जर्वेशंस मिली थी। वो ऑब्जर्वेशंस ये थी कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम, और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। किसको कहते हैं न्यूक्लियस? उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये भी माना गया कि जितना भी हमारा एटम का मास था, वो सारा का सारा मास उस न्यूक्लियस में रिजाइड हुए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या 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 था कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड ऑल द मास, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन दैट न्यूक्लियस। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये मानी गई थी या ये बताई गई थी, वो ये थी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, एक सर्कल के पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बनाई गई थी, थर्ड ऑब्जर्वेशन ये बताई गई थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो कहने का मतलब ये है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज बहुत बड़ा है कंपेयर टू द न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस का साइज छोटा है, एटम का बड़ा है। ये तीन ऑब्जर्वेशन हमें बताई गई थी या देखी गई थी, ऑब्जर्व की गई थी जब रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो अब जो मैंने आपको ये तीन चीजें बताई, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि रदरफोर्ड ने किस चीज की डिस्कवरी की थी? रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, क्योंकि उसने बताया कि एक एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और सारा का सारा मास उस न्यूक्लियस के अंदर होता है एटम का। तो ऑब्वियसली रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।